फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv। भारत वर्ष को एकता के सूत्र में बांधने के लिए आवश्यक है कि हम भारतीय देश की अलग अलग संस्कृतियों से परिचित हो सकें। इसी उद्देश्य से IIMT विश्वविद्यालय गंगानगर मेरठ परिसर में ऋषि ग्राम का निर्माण किया गया है। ऋषि ग्राम में आने वाले मेहमान राजस्थानी संस्कृति से रूबरू होने के साथ साथ राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजनों को भी आनंद ले सकेंगे। गैर व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत ऋषि ग्राम का संचालन नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर किया जाएगा। IIMT विश्वविद्यालय गंगानगर परिसर में निर्मित ऋषि ग्राम में आयोजित पत्रकार वार्ता में ऋषि ग्राम के संबंध में IIMT विश्वविद्यालय के चेयरमैन योगेश मोहन गुप्ता ने यह जानकारी दी। मेरा नाम योगेश मोहन है। ये हमने ऋषि ग्राम बनाया है भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए। इस ऋषि ग्राम के अंदर जितना भी भोजन आपको मिलेगा, सबसे पहले तो ये ऑर्गेनिक भोजन है। इसके अंदर हमें जो भी चीज़ ली है वो हमने यही हमारे यूनिवर्सिटी में जो पैदा होती है उन्हीं से हमने बनाया है। 90% सामान जो है वो यहीं का पैदा करा हुआ है, जिसके अंदर हमने कभी कोई पेस्टिसाइड या कोई यूरिया नमक इस तरह की नहीं डाला हमने। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितना भी भोजन है गाय के देसी घी से बना हुआ भोजन है, और जितना भी यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्विस देख रहे हैं आप, पत्तों में मिट्टी के कुल्हड़ के अंदर और सारा भोजन मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ है जो हमारे पहले गाँवों के अंदर बनता था। और उससे हमने इसका लिया हमने कि ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम आएगा। ये बीमारियाँ जो हमारे यहाँ फैल रही हैं, कैंसर है या कोविड है या TB है जो फैल रही है, ये ऐसी ये भोजन है कि जो उनको रोकने के लिए मनुष्य के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाए, मनुष्य के अंदर एक शक्ति प्रदान करे जिससे कि वो ऐसी महामारियों से बचे। ये हमारा एक ऐसा, यहाँ पर हमने बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए झूले लगा रखे हैं, बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पे घोड़े सवारी है, और जो सबसे बड़ा मनोरंजन है यहाँ पर उनको गौ सेवा करने का अवसर मिलेगा। गायों के बच्चे हैं, बच्चे वहाँ आ जा सकते हैं, उनको गुड़ खिला सकते हैं, सब यहीं से उनको मिलेगा, उनको चारा खिला सकते हैं, गायों की सेवा कर सकते हैं, ये सारा आनंद यहाँ प्राप्त होगा। इस तरह से हमने गाँव का एक हमने दृश्य बनाया है। जनता सबको क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हमें संदेश देना चाहते हैं कि अच्छे भोजन, शुद्ध भोजन के लिए जनता यहाँ आए, क्योंकि ये है दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ये हम प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये सारा पूरा जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चीज़ उपलब्ध है, हमारे पास अपनी बोई भी है, इसलिए हम उनको यहाँ पर लगा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा बहुत रीजनेबल उसके अंदर शुद्ध देसी घी का राजस्थानी खाना मिलेगा, यहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन खाना मिलेगा, सब तरह का आपको मिक्स खाना यहाँ पर प्राप्त होगा।